तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ गूगल सीट। और गूगल सीट में सबसे पहले हमने गूगल ड्राइव खोला हुआ है और अपनी इस फाइल को खोलते हैं। गूगल ड्राइव से हमारी फाइल खुलती है, जैसे कि हमने अभी तक बता चुका आपको मैंने। तो हमने फाइल मेनू बार को लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। फाइल मेनू बार के सारे फीचर्स को हमने देख लिए थे। अब अगला एडिट मेनू बार है, बट एडिट मेनू बार में जाने से पहले ये जो आइकन्स आपको सामने दिखते हैं, इन आइकन्स के बारे में एक एक करके हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब मैंने यहां पे पूजा लिखा तो गलत लिख दिया, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो ये आपका जो है ना वापस आना है, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, मतलब ऑनडो डीडो। ये जो प्रिंटर का सिंबल आपको दिखता है, ये जो आपका यहाँ एक मिनट, ये जो प्रिंटर का सिंबल आपको दिखता है, ये प्रिंटर का सिंबल है कि आप अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। प्रिंटर का सिंबल ये चीज दिखाता है, राइट सर। यस उसके बाद यहाँ आपको दिखते हैं पेंट फॉर्मेट। पेंट फॉर्मेट जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्मेटिंग है, मुझे बाकी जगहों पे सेम फॉर्मेटिंग करनी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक फॉर्मेटिंग है, मैं सेम फॉर्मेटिंग चाहे ए फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग कहीं और करना चाहता हूँ, तो आप पेंट फॉर्मेट लीजिए और उसके हिसाब से आप पेंट कर दीजिए, वहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। सर, ठीक है, मतलब यस कि एक फॉर्मेटिंग, ज्यादातर हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह में यूज करते हैं कि आपने कोई फॉर्मेटिंग कर रखा है और आपने पेंट प्रेस किया और उसको यहां तक रिमूव कर दिया। उसके बाद ये आपका दिखता है परसेंटेज, ये 100% दिख रहा है, ये आपका जूम परसेंटेज होता है। जैसे जनरली हम लोग माउस की कंट्रोल और माउस की जो व्हील होता है बीच वाला, यस उसको कंट्रोल एक करते हैं ना, लेकिन ये चीजें यहाँ पे वर्क नहीं करती है। यस यहाँ पे अगर आपको जूम करें, ये चीज आपको एक्सेल में वर्क करती है कि एक्सेल में आपको अगर जूम करना है किसी सीट को, तो आप इसको कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को ऊपर यस नीचे यस यस जूम होता है, बट आपको इसमें गूगल सीट में ऐसा नहीं होता है। तो गूगल सीट में इसके लिए आपको यहाँ से जैसे कि 125% करना है या 150% करना है या 200% तक की हाईलाइट होती है। अब 200% से ज्यादा करना है, जैसे मान लीजिए मुझे 400% करना है, तो 400% में टाइप करूंगा तो क्या 400% हो जाएगा? नहीं, 400% नहीं होगा। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 200% तक की ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स के फॉर्मेट है, जैसे हमने नंबर लिखा तो आपको डॉलर में करना है तो आप डॉलर में कर सकते हो, या फिर आपने नंबर्स जैसे इस तरह के डेसिमल में आ गए, इसको परसेंटेज में करना है तो आपको परसेंटेज में कर सकते हो, यहां से डेसिमल इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, राइट। यस ये आपका जो 1 2 3 दिख रहा है आपका, वो मोर फॉर्म फंक्शन, मतलब कि ये तो नॉर्मली यूज होने वाले फंक्शन, इसके अलावा मोर फंक्शन आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कि ऑटोमेटिक कर दोगे तो जैसे जनरली जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है उस पे होगा। अगर आपने प्लान टेक्स्ट कर दिया तो जैसे मान लीजिए पूजा के ऊपर अगर मान लीजिए कुछ हमने कर रखा है, उसको अगर आपने प्लेन टेक्स्ट कर दिया तो ये प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे इसी को मैंने उठाया और प्लेन टेक्स्ट कर दिया तो ये टेक्स्ट हो गया। अब इस पे सम का फॉर्मूला वगैरह लगेगा तो इसको रीजनरेट नहीं करेगा, देखा जीरो आ गया आपका, क्योंकि तो टेक्स्ट। बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता था, एक्सेल में करने के बाद जब टाइप करते हैं तो एक्सेप्ट करता था, नंबर का टाइप हो गया तो नंबर होता है, फिर जी नंबर आएगा आपका नंबर में आ जाएगा। उसके बाद परसेंट है, ये आपका साइंटिफिक फॉर्मेट है, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है जहां पे आप डॉलर का साइन वगैरह लगा सकते हैं, ये डॉलर ऑटोमेटिक डॉलर का साइन आ रहा है ना सर। यस यहाँ पे फाइनेंशियल आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे करेंसी का सिम आता है, करेंसी में डॉलर डिफॉल्ट आ रहा है, उसके बाद करेंसी राउंडेड है, मतलब कि राउंड फिगर में होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ तो राउंड फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, यस तो करेंसी इन राउंडेड यहाँ पे। उसके बाद डेट का फॉर्मेट, अगर मैं कोई डेट लिखता हूँ, यहाँ पे डेट कोई डाला हमने, तो डेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर,
यस सर। टाइम है तो टाइम में, डेट एंड टाइम करना चाहता तो डेट एंड टाइम कर देगा। और ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए कि हमने 45 घंटे 20 मिनट एंड 30 सेकेंड हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ अगर हमने ड्यूरेशन पे क्लिक किया तो ड्यूरेशन डेट टाइम पे करोगे तो फिर क्या होगा, ये आपका यस का टाइम नहीं दिखेगा आपको, तो इसको आपको ड्यूरेशन में करना पड़ेगा। अब करेंसी में आपको यहाँ पे कस्टम करेंसी दिखता है, कस्टम करेंसी, कस्टम करेंसी में आप जैसे बाय डिफॉल्ट डॉलर है, डॉलर के जगह पे आप अपना करेंसी यूज कर सकते हैं कि कौन सा करेंसी आपको चाहिए। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन रुपीज चाहिए, तो एक बार देख लीजिए इंडियन रुपीज है इसमें ऊपर है सर। इंडोनेशिया, हाँ सही निकल गया, ये नीचे सर, ये इंडियन रुपीज, यस यस यस, इसको अप्लाई कर दी इंडियन रुपीज में फिर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ये आपको आता है कस्टम डेट एंड टाइम में। जैसे मान लीजिए कि डेट एंड टाइम जो है हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, तो यहाँ कस्टम डेट एंड टाइम के अंदर में आप अपना कि आपको मंथ कैसा चाहिए, डे कैसा चाहिए, ईयर कैसा चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे मंथ चाहिए अगस्त चाहिए पूरा लिखा हुआ, ठीक है ना, और ये आपका 05 चाहिए या ट्यूजडे सैटरडे फ्रंडे चाहिए, या फिर यहाँ पे फुल ईयर चाहिए लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, तो उसी हिसाब से डेट आप टाइम आपका बन जाएगा, तो करेगा। यस ओके, यस सर। और सेम हमारा कस्टम नंबर फॉर्मेट आता है कि नंबर पे फॉर्मेटिंग तो डिफॉल्ट आपने की, इसके अलावा भी कस्टम नंबर फॉर्मेट होता है, इसमें आप कस्टम नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कस्टम नंबर फॉर्मेट आपको हम जो है अगली क्लासेस में बताएंगे, फिलहाल इसको इतना ही समझिए कि अपने हिसाब से कोड देना चाहते हैं। कैसा कोड, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक नंबर हम लिखना चाहते हैं, और चेक नंबर में हमने 6 डिजिट को मेंटेन नहीं किया है, तो चाहता हूं कि जितना डिजिट कम है उसके आगे 0 उतना लग जाए, तो यहां हम क्या करेंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम 0 देके अप्लाई कर देते हैं, देखिए। yes, तो ये जो बाकी के जो कोड्स हैं वो कस्टम नंबर फॉर्मेट में बाकी के कोड इसी तरह से यूज की जाती है, इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कीजिए, तो इसमें लगेगा टाइम, इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। उसके बाद आता है आपका फॉर्म फॉन्ट, कि आप अपना कैसा फॉन्ट रखना चाहते हैं। अगर जो फॉन्ट खोज रहे हो फॉन्ट इसमें अवेलेबल नहीं है तो मोर फॉन्ट में चले जाएं, और यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ से ले सकते हैं, जो फॉन्ट आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उसको ओके कीजिए, आपका नेम उसी फॉन्ट में हो जाएगा। कन्नड़ कन्नड़ है, यस। ये आपकी फॉन्ट की साइज होती है, आप अपने फॉन्ट को साइज क्या रखना चाहिए रख सकते हैं। उसके बाद अपने फॉन्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, और ये आपका स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो होता है टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट की कलर कैसी होनी चाहिए आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं। ये आपका बॉर्डर है कि आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ से बॉर्डर चूज कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर की कलर चूज कर सकते हैं कि बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए, और ये बॉर्डर की लाइनिंग क्या होनी चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेल को मर्ज करना है, तो मर्ज करने का ये है, मर्ज में आप देखेंगे तो मर्ज ऑल होता है, मर्ज वर्टिकली, मर्ज हॉरिजॉन्टली। जैसे मर्ज ऑल करेंगे तो पूरा मर्ज कर देगा, मर्ज वर्टिकली करेंगे तो वर्टिकली मर्ज करेगा। एक मिनट को, हाँ यहाँ पे मर्ज अगर हम वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली मर्ज करता है, और हम वापस और मर्ज करते हैं, और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली करेगा, और अनमर्ज करने के लिए आपका अनमर्ज का ऑप्शन है, राइट सर? यस सर। अब यहाँ पे आप कुछ नंबर लिखते हैं, इसमें अलाइनमेंट आता है, आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हैं कि लेफ्ट में हो, मिडल में हो, क्या
उसके आता है वर्टिकल अलाइनमेंट, कि आपका वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप मिडल अप कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, तो इसमें आपका वर्टिकल में मैं बोलता हूँ कि मिडल में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए। उसी तरह से आपका ये आता है कि रोटेट रैप होना चाहिए कि नीचे चाहिए। इसे मान लीजिए ना, हमने नाम लिखा यहाँ पे सुजीत कुमार, तो ये तो एक सेल में आ रहा है, लेकिन अगर सेल छोटा होता तो क्या होता, ये आगे निकल रहा है। यस सर। तो यहाँ आप क्या करते, यहाँ हम करते यहाँ से रैप, हम रैप कर देंगे तो क्या होगा, या ओवरफ्लो भी चल रहा है, रैप कर देंगे तो रैप हो जाएगा, रैप हो गया। यस सर। या ऑटो फिट कर दिया तो ये आपका ऑटो फिट हो जाएगा, छुप जाएगा। दो चीजें इसमें है, जैसे कि यहाँ पे जैसे तीन मतलब होता है ना आपको, पहला हुआ कि ओवरफ्लो होगा, मतलब कि दूसरे कॉलम में जाने दीजिए, यह था आपको कि रैप कर दीजिए, तोड़ के नीचे उसी रो में ला दीजिए, ये है, कोई बात नहीं, उसको छुपा दीजिए, तो इसने क्लिप कर दिया उसको। ठीक है सर। यस सर। उसके बाद यहाँ आपकी जो है एंगल होता है कि अपने टेक्स्ट को किस एंगल में रोटेट कर सकते हो। उसके बाद इस पे हाइपरलिंक होता है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि कोई लिंक जो है इससे हाइपरलिंक हो जाए, तो टाइप करते हो तो हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करके यहाँ अपना लिंक डाल सकते हैं, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया IBT इंडिया, और मैं चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट जो है यहाँ से खुल जाए, तो मैं यहाँ पे www.iptindia इंडिया देखिए सर्च करके दे दिया ना सर। यस सर। हमने कर दिया, ठीक है, अब क्लिक yes, करके आईपीटी इंडिया खुल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट कमेंट होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड मुझे कमेंट इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे अपना कमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ कि दिस इज फाइनल मार्क्स। अब क्या होगा, जैसे कोई इस पे कर्सर ले जाएगा तो उसको कमेंट दिखेगा। उसके अलावा ये आपका इंसर्ट चार्ट है, ये आपके फिल्टर है, ये आपका फंक्शंस है, तो ये चीजें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। Yes, तो मैंने मोटा मोटी ऊपर जो दिखने वाले ऑप्शंस है मोस्ट यूजेस मैंने आपको बता दी। अब हम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे और हम एडिट मेनू बार में बात करेंगे कि एडिट मेनू बार में क्या है। तो कल की जो क्लास हमारी होगी वो पेस्ट स्पेस ऊपर होगी, राइट सर। यस सर।